हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। चाहे सेम शीट पे डेटा को लिंक करना हो या डिफरेंट शीट पे करना हो, तरीका तो एक ही है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको डिफरेंट शीट पे सिखाया था, तो डिफरेंट शीट पे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये डेटा आपको लिंक करना है, ठीक है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो लिखा हुआ है इसी को लिंक करना है दूसरे शीट पर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कहीं पर भी नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करके नीचे आइए, इसको रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के अलग अलग तरीके मैंने बताया, फिलहाल आप यहीं पर क्लिक करके रिसाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो रिसाइज हो गया, अब हमको लिंक करना है ये डेटा, ठीक है। तो इस डेटा को लिंक करने के लिए आपको करना क्या है, इस डेटा को लिंक करने के लिए यहाँ पर यूज कर लीजिए फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, यहाँ इस शीट पे जाइए और यही तो आपका डेटा है, बस एंटर कर दीजिए, हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको नीचे ड्रैग करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे ड्रैग करवाएंगे तो जो भी नाम आपने लिखा है वो आ चुका है यहाँ पर। अब इसका फायदा क्या है, देखिए थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, एक दो नाम शायद रह गए हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राम लिखा हुआ है। अगर मैं रिलेटेड डेटा को चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं लाइक प्रियंका लिख देता हूँ, यहाँ पे राम की जगह ये लिख दिया हमने। अब ये तो यहाँ प्रियंका लिख दिया, तो क्या यहाँ पर भी प्रियंका आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप ये चेंज हो गया। यही सेम चीज आप कर सकते हैं सेम शीट पर। सेम शीट पे कैसे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे प्रियंका आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, पूरा आ जाएगा आपका, ये सब आ गया। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन डेटा है, देखिए मेन डेटा को मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक दूसरे कलर से। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पार्ट जो है मैं एक अलग कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका मेन डेटा है, ठीक है, इससे रिलेटेड डेटा है, ठीक है, ये मेन डेटा है, ये रिलेटेड डेटा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, सीमा का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर देता हूँ एस यू आर ए जी, यहाँ पे कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ये सूरज बन जाएगा अपने आप, हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी सूरज बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिंक करवा सकते हैं डेटा को, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।